दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई प्रतापी राजा हुए हैं जिनके शासनकाल में उनकी राज्य की सीमा बढ़ती ही चली गई, परंतु जब उनका अंतिम समय आया तो उन्हें दो पग भूमि भी नसीब नहीं हुई। लेकिन आज जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वो उन बाकी सभी राजाओं से बिल्कुल अलग थे। आज हम बात कर रहे हैं मगध राज्य के नींव रखने वाले राजा बिंबिसार की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ जब वो पहली बार बुद्ध से मिले, और आखिर उनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों हुई कि उनके दुश्मनों को ही कहना पड़ा कि ऐसी मृत्यु किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। दोस्तों, बिंबिसार क्षत्रियों के हर्यक वंश में पैदा हुए थे। उनका जन्म 545 ईसा पूर्व में हुआ था। जब वे मगध के राजा बने तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। दोस्तों, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। इसकी राजधानी बनने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा कि नगर में मकान इतने पास पास होते थे जिनसे अक्सर घरों में आग लग जाया करती थी, जिसकी वजह से आग पूरे नगर में फैल जाया करती थी। बार बार आग लगने की इस घटना से राजा इतने चिंतित हुए कि उन्होंने एक नियम बना दिया, अगर किसी भी शख्स का घर जलता है तो उस परिवार को नगर के बाहर पहाड़ों के समीप गिरिव्रत जंगलों में रहना होगा। दरअसल उन्होंने यह नियम इसलिए बनाया था ताकि लोग अपने मकान में लगने वाली आग के प्रति सजग रहें। परंतु नियम बनने के बाद सबसे पहले आग राजा के ही घर में लग गई, जिसकी वजह से उन्हें नगर के बाहर गिरिव्रज जंगलों में जाना पड़ा, जिसकी वजह से गिरिव्रज का नाम राजगृह पड़ गया। राजगृह यानी राजा का घर। बाद में इसे मगध की राजधानी बना दिया गया। राजगृह पांच पहाड़ियों से घिरा एक स्थान था जो प्राकृतिक तौर पर एक किले का निर्माण करता था। बाद में अशोक ने राजगृह को ब्राह्मणों को दान कर दिया था और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया था। दोस्तों, राजा बनने के बाद बिंबिसार ने सबसे पहले अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उनके पास बंगाल की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ गई थी। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का गवर्नर बना दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शादियां करके दूसरे राजाओं से अलायंस बिल्ड किए, जिसमें उस समय के ताकतवर राज्य कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन से शादी शामिल थी, जिसकी वजह से उन्हें हिंदुओं के पवित्र शहर काशी दहेज में दिया गया था, जहां से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी और उन्हें गंगा नदी का व्यापारिक मार्ग भी मिल गया था। दोस्तों, जब बुद्ध ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, ऐसे ही भटकते भटकते वो एक बार राजगृह पहुंच गए। बिंबिसार की नज़र जब बुद्ध पर पड़ी तो वो उस वक्त भिक्षा में मिला हुआ खाना खा रहे थे। बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, हे मुनिवर, आप दिखने में भिक्षुक तो नहीं लगते, आप हैं कौन और आप आए कहां से हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ हूं। यह सुनकर बिंबिसार चौंक गए। वह बोले, मुनिवर, फिर आपने भिक्षुक का रूप क्यों धारण कर रखा है? क्या आपको कोई कष्ट है? मैं आपको सोना चांदी या जो भी आप चाहें आपको दे सकता हूं, आप कहो आपको क्या चाहिए। इस पर सिद्धार्थ बोले, हे राजन, मुझे कोई कष्ट नहीं है और ना ही मुझे धन की लालसा है, बल्कि ये मानव जीवन ही बहुत कष्टकारी है। इस पर राजा ने कहा, भगवान, तो फिर आप यहां वहां क्यों भटक रहे हैं? इस पर सिद्धार्थ बोले, राजन, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका फिलहाल मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में भटक रहा हूं। बिंबिसार ने कहा, मुनिवर, आप वादा कीजिए जब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो आप एक बार यहां लौटकर जरूर आएंगे। इस पर सिद्धार्थ बोले, राजन, मैं वादा करता हूं कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो लौटकर राजा के पास आए। उन्होंने राजा को ज्ञान दिया। बिंबिसार बुद्ध के शिष्य बन गए। जब बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को पता चला कि राजा भी बुद्ध का शिष्य बन चुका है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो पूरे बौद्ध संघ पर कब्जा जमाना चाहता था। देवदत्त बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम कब तक इस संघ को चला पाओगे? मेरी मानो तो मुझे इस संघ का प्रमुख बना दो और अपना जीवन आराम से व्यतीत करो। इस पर बुद्ध बोले, देवदत्त, तुम मेरे भाई जरूर हो, परंतु तुम इस संघ के प्रमुख बनने के काबिल नहीं हो। इस संघ में तुमसे भी अधिक ज्ञानी लोग मौजूद हैं जो इस संघ में मेरा स्थान ले सकते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। इस पर देवदत्त बोला, बुद्ध, तुम जो ये ढोंग करते हो ना, मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम हमेशा संघ के प्रमुख बने रहना चाहते हो ताकि लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहें,
परंतु मैं तुम्हें अच्छे से समझ चुका हूँ। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे सारे शिष्य मेरे शिष्य बन जाएंगे, जैसे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मेरा शिष्य बन चुका है। देवदत्त बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को बुद्ध और उसके पिता बिंबिसार के प्रति भड़काता है। वह अजातशत्रु से कहता है, देखना एक दिन तुम्हारे पिता सारा राज्य तुम्हारे भाइयों को दे देंगे और खुद बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। इस पर अजातशत्रु कहता है, परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने मुझे राज्य देने का वादा किया है। इस पर देवदत्त कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारे पिता बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध खुद एक ढोंगी है, वो खुद बौद्ध संघ का प्रमुख बना रहना चाहता है और मुझसे ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए देखना बुद्ध के कहने पर वो अपना सारा राज्य तुम्हारे भाइयों को दे देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कश्मकश में अजातशत्रु वापस लौटता है, लेकिन एक सवाल उसे मन ही मन खाए जा रहा था। अंत में वो निर्णय करता है कि वो ये सवाल अपने पिता से जरूर पूछेगा। उसने सवाल किया, पिताश्री आपको नहीं लगता कि अब आपको ये राज्य मुझे सौंप देना चाहिए? इस पर बिंबिसार कहते हैं, पुत्र ये राज्य तुम्हारा ही है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार बुद्ध से मिलकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस पर अजातशत्रु ने कहा, पिताश्री आप उस ढोंगी के पास जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं, परंतु आप मुझे उसके पास जाने को ना कहें। मेरे गुरु देवदत्त हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। अगली बार जब देवदत्त अजातशत्रु से मिलता है तो उससे कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि जब तुम राज्य मांगने की बात करोगे तो तुम्हारे पिता इधर उधर की बात करने लगेंगे। इस पर अजातशत्रु कहता है, तो गुरुवर अब क्या करना चाहिए? इस पर देवदत्त कहता है, अब एक ही रास्ता है राज्य पाने का, तुम्हें अपने पिता को रास्ते से हटाना होगा। पर क्या गुरुवर ऐसा करना सही होगा? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसे रणनीति कहा जाता है। अजातशत्रु ने देवदत्त की बातों में आकर अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और खुद मगध का राजा बन गया। उसने आदेश दिया कि कोई भी राजा को खाना नहीं देगा और ना ही कोई राजा से मिलेगा। सिर्फ उनकी रानी को उनसे मिलने की अनुमति दी गई, वो भी दिन में एक बार। हालांकि रानी चोरी छुपे राजा के लिए खाना ले जाया करती थी, लेकिन बहुत दिनों तक जब बिंबिसार की मृत्यु नहीं हुई तो अजातशत्रु को शक हुआ कि कोई तो बिंबिसार तक खाना पहुंचा रहा है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने रानी का भी कारागार में जाना बंद करवा दिया, लेकिन बिंबिसार तब भी नहीं मरा। ये देखकर अजातशत्रु ने राज्य के नाइयों को आदेश दिया कि राजा के हाथ पैर काट दिए जाएं और उनके घावों में नमक लगाया जाए और फिर घावों को कोयले से जला दिया जाए। जब नाई कारागार में पहुंचे तो बिंबिसार को लगा शायद उसके पुत्र को अपनी भूल का एहसास हो गया है और उसने मेरे बालों और दाढ़ी को काटने के लिए नाइयों को भेजा है, लेकिन ये उसकी भूल थी। नाइयों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे अजातशत्रु ने आदेश दिया था। एक दिन जब अजातशत्रु अपनी माँ से मिला तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो हमेशा ये राज्य तुम्हें ही देना चाहते थे। जब अजातशत्रु को अपनी भूल का एहसास हुआ तो कारागार में अपने पिता को लेने गए। जब बिंबिसार ने देखा कि उनका पुत्र स्वयं आ रहा है तो उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें मार डालने के लिए आ रहा है। ऐसा ख्याल आते ही राजा ने जहर खा लिया और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी इस दर्दनाक मौत पर उनके शत्रुओं को भी उनसे सहानुभूति हो गई थी। अजातशत्रु से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। इस अपराध बोध से निकलने के लिए उसने तय किया कि वो एक बार बुद्ध से जरूर मिलेगा, और जब वो बुद्ध से मिला तो उनका शिष्य बन गया।